जेई एडवांस 2023 पेपर वन का सवाल कि एक हमारे पास बॉल है, इसको एच हाइट के स्लाइडर से स्लाइड करा दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। तो पूछा गया है पहले पार्ट में कि जब वो यहाँ से आगे की तरफ जाएगा तो उसकी रफ्तार कितनी होगी, भाई कैसे पता करेंगे। तो मान लेते हैं ये वाला पॉइंट हमारा ए है, ये वाला पॉइंट हमारा बी है, तो हम इसमें करते हैं ए से बी तक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई कर लेते हैं। चलो तो ए पर काइनेटिक एनर्जी कितना है, जीरो, क्यों, रिलीज किया था। ए पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है, mgh, लेकिन वो तब होगा जब हमने इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी को कितना मान लिया, जीरो, ठीक है भाई, ये हो गया। तो इक्वल टू में कितना आएगा, काइनेटिक एनर्जी अब ए पॉइंट पर तो हो गया। अब बी पॉइंट की बात करते हैं तो बी पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना है, हाफ एम यू नॉट का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी है जीरो, तो m से m बच्चों कैंसिल हो गया, तो u नॉट का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, रूट टू जी एच। और ये किस डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन है, तो i कैप, इसका मतलब है पहला ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, तो बोला गया है कि ये v वेक्टर कितना होगा। मान लेते हैं कि जब पार्टिकल इस ग्राउंड से टकराया तो उसकी रफ्तार कितनी थी, उसकी रफ्तार थी v1, तो पहले v1 तो निकाल ले। तो v1 को हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे जब टकराया तो उसकी रफ्तार कितनी है, v1। अब पार्टिकल देखा जाए तो ये b पॉइंट से लेकर के जो c पॉइंट है हमारा, तो b से c तक वो पार्टिकल क्या कर रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन। और जब भी पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तो उसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। तो इसका मतलब है वेलोसिटी का x कंपोनेंट तो कॉन्स्टेंट रहेगा, वो कंपोनेंट हमारा है जो x कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा, बताइए जल्दी से, x कंपोनेंट हमारा कितना था, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, रूट टू जी एच एक्स कैप। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट टू जी एच, ये हो गया हमारा आई कैप। अब वेलोसिटी का z कंपोनेंट कितना हो जाएगा, भाई यहाँ पर y की जगह उन्होंने z लिख दिया है, ये वाला कंपोनेंट z मान लिया है, तो वेलोसिटी का z कंपोनेंट कितना हो जाएगा। अब हमको पता है कि पार्टिकल हमारा नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट तो x, ये हो गया, और z कंपोनेंट आएगा नीचे की तरफ, तो ऑब्वियस सी बात है ये नेगेटिव हो जाएगा, नीचे की तरफ है तो नेगेटिव होगा, कितना हो जाएगा। तो थर्ड इक्वेशन क्या कहती है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो u तो जीरो है, क्यों, क्योंकि b पॉइंट पर पूरी की पूरी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल वेलोसिटी तो है ही नहीं इस पॉइंट पर, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट तो जीरो है, तो बचा सिर्फ है 2as, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, रूट ओवर 2, a का वैल्यू माइनस ऑफ g और s का वैल्यू माइनस ऑफ 3h, और ये हो गया हमारा k कैप। तो v1z का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस और रूट टू जी एच और इंटू रूट 3 के कैप। तो बच्चों हम अगर v1 का रिजल्टेंट निकला चाहते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, वी एक्स आई कैप और प्लस v1z के कैप। तो बच्चों v1x का वैल्यू कितना है हमारे पास, ये देखिए, रूट टू जी एच आई कैप माइनस रूट टू जी एच रूट 3 के कैप, ये आया वेलोसिटी का हमारा रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई जब पार्टिकल यहाँ पर सी पॉइंट पे टकराया। अब टकराने के बाद वो उठा भी है भाई वी वेलोसिटी से, तो उठने का मतलब क्या, देखो होता ऐसा है कि अगर जैसे मान लेते हैं कि ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड पर कॉफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई दिया है, कोई एक पार्टिकल है जो मान लो वी वाई रफ्तार से इस पे इसकी तरफ बढ़ रहा है, तो जब ये पार्टिकल इस ग्राउंड से टकराएगा और वापस उठेगा तो वो कितनी रफ्तार से वापस उठता है, तो बच्चों वो e इंटू वी वाई रफ्तार से वापस उठता है। e का नाम क्या है, कॉफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जो मैंने आपको बताया। अब सर ये कॉफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन किधर से आ गया, भाई क्वेश्चन में दिया गया है कॉफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है, 1/√3। तो करते हैं आगे, तो x कंपोनेंट पर तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, इफेक्ट पड़ेगा हमारे z कंपोनेंट पर, तो फाइनली जो v वेक्टर आने वाला है वो कितना हो जाएगा, रूट टू जी एच आई कैप माइनस का प्लस हो गया, क्योंकि जब पार्टिकल ऊपर की तरफ उठेगा बच्चों तो उसका z कंपोनेंट हो जाएगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे कितना लिखोगे आप इसको, रूट टू जी एच रूट 3 इंटू ई का मतलब 1/√3, और ये हो गया k कैप, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया, तो v वेक्टर हमारा कितना आ गया, रूट टू जी एच को आप कॉमन भी कर सकते हो, बचेगा हमारा आई कैप और प्लस का k कैप, इतना आया। क्या ये हमारे पास ऑप्शन में है, देखिए यहाँ पर ये माइनस लिखा है, अगर माइनस की जगह प्लस होता तो ये भी करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पर माइनस है इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया।
अब इसके बाद हमें ऑप्शन सी को चेक करना पड़ेगा। भाई थीटा का वैल्यू 60 है, थीटा का वैल्यू 60 होने का मतलब है कि जब पार्टिकल यहाँ ग्राउंड से टकराया तो वो कितने एंगल पर टकराया, तो कितने एंगल पर टकराया ये हमको कैसे पता चल जाता है। हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, वी वाई अपॉन वी एक्स, या वी वन वाई अपॉन वी वन एक्स लिखो, और वाई की जगह, बड़ी अच्छी याद आ गई, वाई की जगह क्या है, वाई की जगह यहाँ पर जेड है, कोई दिक्कत नहीं, सीधा सा इतना होता है, वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो वी वन जेड कितना है, वी वन जेड अपने पास ये रहा पूरा, ये रहा वी वन जेड, कितना है भाई, रूट टू जी एच इंटू रूट थ्री अपॉन वी वन एक्स, कितना है, रूट टू जी एच, रूट टू जी एच ने रूट टू जी एच को मार दिया, तो टेन थीटा का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, रूट थ्री, यानी थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 60 डिग्री। यार इसका मतलब तो ये है कि फिर सी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। अब बचता है हमारे पास जी ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन है, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो डी बाय एच वन पूछा है। अब एच वन क्या है, एच वन वो हाइट है जब पार्टिकल यहाँ पर टप्पा खाया और फिर दोबारा से जंप किया, तो उसको बोला है एच वन। और डी क्या है, इस बिल्डिंग के फुट से कहाँ पर वो पहली बार टकराया, यानी उसको बोल दो पहला हॉरिजॉन्टल रेंज, वो है यहाँ पर डी। तो सबसे पहले तो हम एच वन निकाल लेते हैं भाई। तो एच वन को आप कैसे फाइंड कर सकते हो बताओ, एच वन समझ में आ रहा है ना, कौन सी हाइट है जब वो पार्टिकल पहली बार टप्पा खा के दोबारा से जंप करा, वो हाइट है एच वन। देख लेते हैं भाई एच वन, सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एच वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी जेड स्क्वायर अपॉन टू इंटू जी। अब भाई वी जेड स्क्वायर कितना है भाई, देखो वी वन जेड तो हमारे पास है रूट टू जी एच रूट थ्री, तो ये वैल्यू हो जाएगी रूट टू जी एच इंटू रूट थ्री और इंटू ई, ई का मतलब वन बाय रूट थ्री इसका होल स्क्वायर, और अपॉन में कितना है टू जी, तो ये रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल हो गया, क्या बचा रूट टू जी एच का स्क्वायर, तो बचेगा टू जी एच, और अपॉन में टू जी है, टू जी से टू जी कैंसिल, क्या बचा एच, यानी एच वन की वैल्यू तो बच्चों आ गई हमारी एच के बराबर। अब हम बात कर लेते हैं इस डी के बारे में, भाई ये डी कितना है, तो डी कैसे मिलेगा, डी हमारा यहाँ से आ तक का ये हॉरिजॉन्टल रेंज है, तो अगर हमको डी निकालना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं यू नॉट इंटू टी, ऐसे लिख सकते हैं ना, तो यू नॉट का वैल्यू हमारे पास कितना आ चुका था रूट टू जी एच, और टाइम कितना है भाई, इस पॉइंट बी से लेकर सी तक आने पार्टिकल को कितना टाइम लगा, तो ये टाइम हम कैसे निकाल सकते हैं रूट टू एच बाई जी से, तो रूट टू और एच कितना थ्री एच और अपॉन में जी, तो आप देख सकते हैं मेरे ख्याल से कि ये रूट जी से रूट जी कैंसिल हो गया, और यहाँ पर ये रूट टू और ये रूट टू हो गया टू, ये रूट एच और ये रूट एच हो गया एच, और ये हमारा रूट थ्री बचा है। हमें चाहिए क्या था भाई, अब ऑप्शन देखिए हमको क्या चाहिए था, ऑप्शन में हमको डी बाई एच वन चाहिए, तो यहाँ पर हमारा डी बाई एच वन कितना आएगा, देखो आप ध्यान से डी बाई एच वन, तो डी का वैल्यू कितना निकाला हम लोगों ने टू रूट थ्री एच, और एच वन भी एच है तो एच से एच कैंसिल, यानी ये हमारा डी बाई एच वन कितना आ चुका है टू रूट थ्री, तो बच्चों इसका मतलब है कि चौथा ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के तीन ऑप्शन सही हैं ए सी और डी। थैंक यू।